कौन सन भाई बचित्र सिंह जी? भाई बचित्र सिंह जी ने मस्त हाथी का मुकाबला किवें किया, आओ जानते हैं इस वीडियो राही। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल दूजी जंग विच हार तो बाद पहाड़ी राजा ने आनंदपुर साहब के किले लोहगढ़ का दरवाजा भन के किले विच दाखल होने की व्योंद बनाई। इस काम लई उन्होंने सुखा ते शराब पिला के ते मत्थे उत्ते पक्कियां ढालां ते बरशियां निजी आदि बन के एक मस्त हाथी तैयार किया। उन्होंने ख्याल सी कि यह मस्त हाथी किले के दरवाजे को टक्कर मार के दरवाजा भन देवेगा ते फिर इस तरह असी किले नू सर कर लवांगे। सिखां नू इस गल का पता लगन ते उन्होंने गुरु साहब जी नू मस्त हाथी बारे दसिया। गुरु जी मुस्कुराए ते कहन लगे, कोई गल नहीं, साडे कोल भी एक हाथी है जो उसका मुकाबला करेगा। गुरु जी का इशारा दुनी चंद वल सी। दुनी चंद चंगा चौखा खांदा पींदा होण करके बड़ा मोटा ताजा सी। जदों उसनू इस गल का पता लगा कि गुरु जी मैनू मस्त हाथी का मुकाबला करन लई भेजना चाहते हैं तो वह डरदा मारा चोरी किले की कंध टप के भजन लगा। पर गुरु जी नू धोखा दे के भज ना सकिया, कंध टप्पण लगा, शरीर ज़्यादा भारी होण करके कंध तो डिग पिया, लत टुट गई तो कुछ समय बाद ही मर गया। उधर जदों सिखां ने गुरु जी नू दुनी चंद दे भज जाण बारे दसिया तो गुरु साहब जी कहन लगे, कोई गल नहीं, साडे कोल एक होर हाथी है जो उस मस्त हाथी का मुकाबला करेगा। ये कह के गुरु साहब जी ने संगत विच बैठे भाई बचित्र सिंह जी वल इशारा किया। भाई बचित्र सिंह जी भाई मनी सिंह जी के पांच योधे सपुत्रां विचों एक सन। भाई बचित्र सिंह जी बड़े पतले दुबले जहे शरीर के मालक सन। सारे सिख गुरु जी के यह वचन सुन के हैरान हो गए कि यह किस तरह मस्त हाथी का मुकाबला कर सकता है। पर गुरु साहब जी का हुक्म सुनदिया सार ही भाई बचित्र सिंह जी गुरु जी के चरणों में हाजिर होया अते आखन लग्या, पातशाह जी मैं तुहाडे खंडे वाटे का अमृत छकिया होया है जिस सदका मैनू मौत का कोई भय नहीं, सो जेकर आप जी अपना मेहर भरिया हाथ मेरे सिर उत्ते रखो तो मैं एक की अजिहे सैकड़े मस्त हाथियों का मुकाबला कर सकता हाँ। भाई बचित्र सिंह जी की यह गल सुन के गुरु साहब जी बड़े प्रसन्न होए ते थापड़ा दे के भाई बचित्र सिंह जी नू मस्त हाथी का मुकाबला करन लई तोरिया। घोड़े ते सवार हो के ते हाथ विच नागनी बरशी लैके भाई बचित्र सिंह जी किले विचों बाहर निकले ते जयकारे गुजाउंदे होए हाथी उत्ते जा हमलावर होए। गुरु पातशाह का ध्यान करके बरछी नाल अजिहा भरमा वार किया कि वह बरछी हाथी के मत्थे उत्ते बन्नियां ढालां नू चीरदी हुई हाथी के मत्थे विच जा ठुक गई। पीड़ नू ना सहारदा होया दर्द का मारिया हाथी दुश्मन दीयां फौजां अपने पैरां थले लिताड़दा होया पिछा नू दौड़ गया। सो यह है अमृत की महानता कि जिस नाल भाई बचित्र सिंह जी विच अथाह जोश ते निडरता आ गई।